नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेडिसिन एजुकेशन टॉक्स में। आज हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे जोकोन डस्टिंग पाउडर के बारे में। जोकोन डस्टिंग पाउडर के यूज क्या है, साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, सावधानी आपको क्या क्या रखनी चाहिए और ये बच्चों में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सभी प्रकार की जो जानकारी है वो इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहें, जिससे आपको जोकोन डस्टिंग पाउडर के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। जोकोन डस्टिंग पाउडर का जो यूज है वो खाज, खुजली या दाद या फंगल इन्फेक्शन आपको हो गया है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। और जोकोन डस्टिंग पाउडर है वो एक मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर है और डॉक्टर ज़्यादातर अगर गमोरिया आपको हो गई है या फिर दाद, खाज, खुजली हो गई है तब आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के जोकोन डस्टिंग पाउडर के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं जोकोन डस्टिंग पाउडर के अंदर इंग्रेडिएंट क्या मौजूद होता है। इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो क्लोट्रिमाजोल है, जो कि 1% वेट बाई वेट इसके अंदर मौजूद होता है। क्लोट्रिमाजोल एक प्रकार का एंटी फंगल मेडिसिन है और कभी कभी इसका एंटी बैक्टीरियल भी यूज किया जाता है। अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि जोकोन डस्टिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या है। अगर आपको रिंग वर्म हो गया है, जिसको हम दाद भी बोलते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट पे आपको रिंग वर्म हो गया है या दाद हो गया है, ये दाद आपकी कमर पे भी हो सकता है, पेट पे हो सकता है, आपके पाँव पे हो सकता है, कहीं भी आपको अगर दाद हो गया है तब आप इस जोकोन डस्टिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं। अगर आपके सर के अंदर भी किसी प्रकार का दाद हो गया है तब भी आप जोकोन डस्टिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं। गर्दन के आसपास में अगर किसी प्रकार की आपको दाद, खाज, खुजली या किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो गया है तब भी आप इस पाउडर का यूज कर सकते हैं। अगर आपके जननांगों के आसपास या जननांगों के ऊपर भी किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो गया है या फिर ईचिंग हो रही है, खुजली चल रही है, तब भी आप इस डस्टिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं। बच्चों में अगर डायपर के रेशेज हो गए हैं तब भी आप इस डस्टिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं। इस पाउडर का जो यूज है वो 1 महीने के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी उम्र के कर सकते हैं। अगर आपको गर्मियों के कारण से गमोरिया हो गई है, गमोरियों के अंदर अगर आपको गर्दन के आसपास में अगर आपके दाने दाने से थोड़े रेड कलर के हो गए हैं या फिर आपकी कमर पे अगर गमोरिया हो गई है या बॉडी के किसी भी पार्ट पे आपको गमोरिया हो रही है या खुजली चल रही है या इचिंग हो गई है या सूजन हो गई है तब आप इस पाउडर का यूज कर सकते हैं। इस पाउडर का जो सबसे ज्यादा यूज है वो गर्मियों में किया जाता है। गर्मियों में व्यक्ति को नमी के कारण से या पसीने के कारण से गमोरिया की शिकायत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इस पाउडर का जो यूज है वो गर्मियों में बहुत ज्यादा किया जाता है। अगर आपको पसीने के कारण से इचिंग हो रही है या नमी के कारण से अगर आपको इचिंग हो रही है या गमोरिया हो गई है तब आपको डस्टिंग पाउडर का यूज करना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है और उसके अंदर अगर आपको गमोरिया हो गई है या इचिंग या खुजली हो रही है तब आपको क्लोट्रिमाजोल की जो क्रीम आती है उसका यूज करना है। क्लोट्रिमाजोल की डस्टिंग पाउडर के बारे में मेरा अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। और क्लोट्रिमाजोल की जो वेजाइनल टेबलेट है उसके बारे में वीडियो बनाई, बटन पे क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करवा दूंगा, वहां लिंक को ओपन करके भी आप क्लोट्रिमाजोल की जो वेजाइनल टेबलेट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी डॉक्टर आपको क्लोट्रिमाजोल का डस्टिंग पाउडर भी प्रिस्क्राइब करते हैं और क्लोट्रिमाजोल की क्रीम भी प्रिस्क्राइब करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि अगर आपको नमी या पसीने के कारण से अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है या इचिंग हुई है वहाँ पे आपको डस्टिंग पाउडर का यूज करना है, और अगर आपकी ड्राई स्किन है वहाँ पे आपको ड्राई और क्लीन करके उसको क्रीम का यूज करना है। इस प्रकार आपको जो क्रीम का जो यूज करना है वो ड्राई स्किन पे यूज करना है और नमी वाली जगह पे आप डस्टिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं। अगर आप इस पाउडर का यूज कर रहे हैं, जोकोन पाउडर का अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिस वजह से इसको लगाया जाता है इचिंग, खाज, खुजली, सूजन, वैसे ही साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट हैं जैसे आपको जिस जगह पे लगाया है वहाँ पे आपको इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, सूजन भी आ सकती है, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट आपको पाउडर लगाने के बाद में देखने को मिल सकते हैं। अब जान लेते हैं इस पाउडर का यूज कैसे करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है। इस पाउडर का जो यूज है वो 1 महीने के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी उम्र के कर सकते हैं। इस पाउडर का जब भी आप यूज कर रहे हैं या इसको अप्लाई कर रहे हैं तो जिस जगह पे आपको इन्फेक्शन हुआ है उस जगह को ड्राई और क्लीन कर लें और उसके बाद में इस पाउडर को अच्छी तरह से जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे फैला दें, और जितनी जगह में इन्फेक्शन हुआ है उससे थोड़ी ज़्यादा दूरी पर इस पाउडर को फैला दें और उसके बाद में इसको खुला छोड़ दें। अगर आपने कपड़े से ढका है या इसका बैंडेज किया है तो जैसे आपकी समस्या है वो ज्यों की तो बनी रहेगी और समस्या आपको ठीक नहीं होगी। इसलिए जब भी आप इस पाउडर का यूज कर रहे हैं तो उस जगह को खुला छोड़ दें। अगर आप बच्चों में डायपर रेसेज के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो बच्चे को थोड़ी देर के लिए डायपर ना पहनाएं, और अगर बच्चे में गमोरिया के लिए यूज कर रहे हैं तो बच्चे को पसीने की वाली जगह पे ना रखें ज्यादा देर तक। इस प्रकार जो आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा।
आगे जान लेते हैं जोकोन डस्टिंग पाउडर काम कैसे करता है। जोकोन डस्टिंग पाउडर के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो क्लोट्रिमाजोल होता है, और क्लोट्रिमाजोल जहां पे आपको इन्फेक्शन हुआ है वहां पे जो फंगस की जो सेल वॉल है उसकी ये क्षमता को कम कर देता है, और सेल वॉल की ग्रोथ के लिए जो जिम्मेदार घटक इर्गिस्टिरोल होता है उसकी बायोसिंथेसिस को ये नहीं होने देता है, जिसके कारण फंगस में सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और सेल वॉल का अगर सिंथेसिस नहीं हो पाएगा उसके बाद में आपको जो फंगस का इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। इस प्रकार ये काम करता है। अब जान लेते हैं कि ये क्लोट्रिमाजोल क्या है। क्लोट्रिमाजोल एजोल ग्रुप की इमिडाजोल दवा है और ये एंटी फंगल के तौर पे काम करता है। अब जान लेते हैं ये किस प्राइस पे और किस पैकेजिंग में मार्केट में अवेलेबल है। ये 60 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम इन पैकेजों के अंदर ये मार्केट में अवेलेबल है, और ये आपको 70-80 रुपये से लेके 100 से 120 रुपये के अंदर आपको कहीं भी मार्केट के अंदर किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। हो सकता है कि इसके ब्रांड नेम कुछ अलग हो, लेकिन इसके अंदर जो कंपोजिशन है, जो इसका जेनरिक जो नेम है क्लोट्रिमाजोल, वो इसके अंदर सेम ही रहेगा। तो इसके क्लोट्रिमाजोल डस्टिंग पाउडर के नाम से भी आप मार्केट के अंदर से ले सकते हैं। जोकोन डस्टिंग पाउडर का आप जब भी यूज कर रहे हैं तो कुछ सावधानियां आपको रखनी है। एक तो इसको आंखों के आसपास में नहीं लगाना है। दूसरा, अगर आपको किसी प्रकार का घाव हो गया है या आपकी स्किन किसी कारण से जल गई है वहां पर भी इस पाउडर का यूज नहीं करना है। इस पाउडर का जो यूज है वो आपको एक्सटर्नली यूज करना है, और दिन में 2 से 3 बार इस पाउडर का यूज करना है। ज़्यादा इस पाउडर के यूज करने से भी आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, और जब भी इस पाउडर का आप यूज करें तो पतली फिल्म के तौर पर ही इस पाउडर का आप यूज करें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेडिसिन से जुड़ी हुई जानकारी हम समय समय पर लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।